So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रेड थ्योरीज के बारे में. इससे पहले हमने सेल्फ थ्योरी पढ़ी थी, जहां पर हमने फिजियोग्नोमी थ्योरी और कार्ल जंग की एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट थ्योरी पढ़ी. उससे भी पहले हमने इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट समझा. पर्सनैलिटी थ्योरीज हम कर रहे हैं इंडिविजुअल बिहेवियर में. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक पार्ट है. तो हम ट्रेड थ्योरीज तक पहुँच गए. इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वो वीडियो देख के आइए. और इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स. आप जिस तरीके से लगातार अपना प्यार मुझे दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को दे रहे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सच में मेरे लिए बहुत कुछ है. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू. एंड लाइक मैं ये होप कर रहा हूँ कि लाइक दिस only you're gonna support me in future also and with different playlist also. business lobby में लेके आ गया हूँ, तो उसको भी अपना support दीजिए. description में link है and keep supporting me. thank you so much guys. let's start trait theories. अब trait क्या होता है? trait यानी कि कोई characteristic. trait ही वो चीज़ होती है जो कि transfer होती है from one generation to the next through genes. DNA sample जो हम लेते हैं different है ना, केसेस होते हैं ना, बड़े बड़े केसेस. डीएनए सैंपल चेक किया जाता है कि भाई डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं. तो व्हाट एग्जैक्टली डीएनए इज? जीन्स, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. नाउ ट्रेट थ्योरीज. तो ट्रेट कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है. ट्रेट क्या होता है? इट्स अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन पर्सनैलिटी. ट्रेट बेसिकली वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. और हर इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे. यानी कि डिफरेंट ट्रेट्स इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज का बंदा देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल देखने को मिलेगा. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक आइडेंटिटी एंड हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी बिकॉज एवरीवन हैज यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स. तो ट्रेट थ्योरीज में हम दो चीजें पढ़ेंगे. हम गार्डन एल्पोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ेंगे, साथ ही हम रेमन कैंडल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम गॉर्डन एल्पोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ते हैं. जो कुछ भी लिखा है वो उसी हिसाब से हम चीजें पढ़ेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम जनरल और बेसिक सी बात है. तो गॉर्डन एल्पोर्ट ने क्या कहा? गॉर्डन एल्पोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स में पढ़ते हैं. ही क्लेम्स दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रियल एंटिटीज फिजिकली लोकेटेड समवेयर इन द ब्रेन. तो गार्डन ने ये क्लेम किया कि भाई जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये रियल एंटिटीज हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट है इनसाइड द ब्रेन. सो दे आर समवॉट प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन. और फिर उसने कहा कि भाई कि दो मेन कैटेगरीज हैं ट्रेट्स की. एक होते हैं कॉमन ट्रेट्स और एक होते हैं इंडिविजुअल ट्रेट्स. कॉमन ट्रेट्स क्या होते हैं? तो कॉमन ट्रेट्स जो होते हैं दे आर द ट्रेट्स दोज वी शेयर और होल्ड इन कॉमन विद मोस्ट अदर्स इन आर ओन कल्चर. जो चीजें कॉमन होती है मोस्टली बहुत ही जनरलाइज्ड वे में होती हैं, वो जो कॉमन ट्रेट्स जो आपको देखने को मिलते हैं आपके कल्चर में वो सारे आ गए कॉमन ट्रेट्स में. सो गॉर्डन ने कहा कि कॉमन ट्रेट्स क्या है? दोज वी शेयर और होल्ड इन कॉमन विद मोस्ट अदर्स इन आवर ओन कल्चर. तो हमारे खुद के कल्चर में जो चीजें मोस्टली कॉमन होती हैं टू एवरी इंडिविजुअल वो सारे कॉमन ट्रेट्स में आ गई. मेन जो बात उसने करी वो इंडिविजुअल ट्रेट्स में उसने करी. इंडिविजुअल ट्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया तीन पार्ट्स में, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स. कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं जल्दी से देख लो. देखो कार्डिनल ट्रेट्स का मतलब होता है ट्रेट्स विच आर सो डोमिनेंट दैट नियरली ऑल ऑफ द इंडिविजुअल एक्शंस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू देम. दोस्तों कार्डिनल ट्रेट्स जो होते हैं ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं जो कि इतने ज्यादा डोमिनेंट होते हैं दैट नियरली ऑल ऑफ द इंडिविजुअल एक्शन, कि इंडिविजुअल जो भी अब एक्शन लेगा वो सारे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय दैट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक. समझे मैं आपको? एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा ट्रेट जो कि इतना ज्यादा डोमिनेंट है कि भाई उस इंडिविजुअल की लाइफ में वो जो भी एक्शन ले रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर डोमिनेंट ट्रेट के द्वारा ही इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं वो जो भी एक्शंस ले रहा है. सो वो ट्रेट कार्डिनल ट्रेट कहलाएगा.
एग्जाम्पल के लिए इफ अ पर्सन होल लाइफ सीम्स टू बी ऑर्गेनाइज अराउंड द गोल ऑफ अचीवमेंट, अगर बंदा यही सोचे कि भाई उसकी पूरी लाइफ, उसके सारे, उसके जो जो पूरे किसी बंदे की मान लो पूरी लाइफ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है अराउंड द गोल ऑफ अचीवमेंट, उसका गोल क्या है कि मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है, सो दैट पर्सन होल लाइफ इज सिचुएटेड और अराउंड द गोल ऑफ अचीवमेंट, तो वो जो भी एक्शन लेगा वो अचीवमेंट गोल के अराउंड ही लेगा, एंड दैट टू इट बिकम्स अ कार्डिनल ट्रेट, बिकॉज ये ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, उसकी लाइफ के जितने भी एक्शंस हैं वो ही ट्रेट डिसाइड कर रहा है, सो कार्डिनल ट्रेट कुछ ऐसा ही ट्रेट होता है, एक ऐसा डोमिनेंट ट्रेट होता है ये जो कि इंडिविजुअल के एक्शंस के नियरली सारे एस्पेक्ट्स वही डिसाइड करता है फिर, सो दैट ट्रेट इज कार्डिनल ट्रेट। नाउ व्हाट अबाउट सेंट्रल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट दे आर less generalized disposition in comparison to cardinal traits. अब जिस प्रकार से cardinal trait में हमें देखने को मिल रहा था कि भाई एक dominant character है, वही dominant character या trait क्या कर रहा है, जो भी individual actions ले रहा है अपनी life में, उसको कहीं ना कहीं वो dominant trait उन actions को वो कहीं ना कहीं dominant trait influence कर रहा है, but central traits में ऐसा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं less generalized disposition होते हैं in comparison to the cardinal traits. These traits might be mentioned in the letter of recommendations or certifications. ये जो central traits हैं, आपको देखने को मिलते हैं letter of recommendations पर, जब हम किसी को recommend करते हैं letter of recommendations देते हैं, letter of certifications में देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ ऐसे traits होते हैं, जैसे honest, अब ये less generalized है, ठीक है, honest, calm, talkative, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके central traits हैं। इसके बाद है सेकेंडरी ट्रेट्स, दोस्तों सेकेंडरी ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं विच कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम एंड आर लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, जो सबसे कम जनरलाइज्ड होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये सब में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, जैसे म्यूजिक का टेस्ट, फूड का टेस्ट, सबका अलग अलग है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज, किसी को वेज या नॉन वेज, वीगन है, है ना, म्यूजिक एक्सपीरियंस सबके अलग होते हैं, किसी को पॉप पसंद है, किसी को क्लासिक पसंद है, किसी को जैज पसंद है, किसी को स्लो पसंद है, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स है ना, सो सेकेंडरी ट्रेट्स का मतलब होता है सबसे लीस्ट जनरलाइज ट्रेट्स, और ये सब में अलग अलग कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, जैसे फूड और म्यूजिक एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बताया, सो इंडिविजुअल ट्रेट्स में कार्डिनल ट्रेट्स हो गया, सेंट्रल ट्रेट्स हो गए और सेकेंडरी ट्रेट्स, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है, इसलिए ज्यादा करंट लगाने का मतलब नहीं है। इसके बाद गॉर्डन एलपॉट पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बाद लेट्स अंडरस्टैंड रेवन केटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्या है। तो केटल ने दो ट्रेट्स आइडेंटिफाई की, इसने भी ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही बात बताई, इसने कहा कि भाई दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं, इसने कहा दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं, एक होते हैं सरफेस ट्रेट्स सरफेस लेवल पे, और एक होते हैं सोर्स ट्रेट्स सोर्स ट्रेट्स। सबसे पहले समझते हैं सरफेस ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स जैसे कि नाम से समझ गए, सरफेस ट्रेट्स का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, जो चीजें आप ऑब्जर्व कर सको, जैसे किसी बंदे के अंदर कोई ऑनेस्टी है तो आपको दिख जाएगी, कुछ बार बात करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ओके, सो ऑनेस्टी, काइंड है, हेल्पफुल है, इगोइस्टिक है, जेनरस है, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो बंदे में अपने आप आपको दिख जाती हैं, ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज लाइक दीज, उसने कहा ये सब सरफेस ट्रेट पर है, ये सरफेस लेवल पर है, ये कोर लेवल पर नहीं, ये सरफेस लेवल पे है, बिकॉज यू कैन सी दोज ट्रेट्स, यू कैन सी दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ यू आर एबल टू सी दोज कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली दे आर सरफेस ट्रेट्स, योर ऑनेस्टी कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, योर काइंडनेस कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, your egoistic nature can be seen from outside, your generosity can be seen from outside, and therefore they are surface traits because these are observable traits. Now when we talk about source traits, so they make up the most basic personality structure, and according to Kater, they actually cause behavior. तो एक जो basic, एकदम basic personality structure होता है, और Kater के हिसाब से ये source traits उस तरीके के traits होते हैं जो कि actually behavior cause करते हैं, कि किस तरीके का behavior होगा individual के अंदर, ये cause करते हैं यही source traits. जैसे कि intelligence, हर इंसान में अलग अलग intelligence होती है, intelligence level होता है, so intelligence every person has a certain amount of it, but not exactly the same. सब में सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या हो सकता है, हर इंडिविजुअल में क्या सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो सोर्स ट्रेट का मतलब होता है इट मेकअप्स द मोस्ट बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, एंड अकॉर्डिंग टू केटल
एक्चुअली कॉजेज बिहेवियर. अब सबके अंदर अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है तो सब अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे. देयरफॉर दैट इज योर सोर्स ट्रेड. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया. द ट्रेड थ्योरी इज वन ऑफ द सिंपल टॉपिक दैट यू आर गोना स्टडी इन इंडिविजुअल बिहेवियर. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर.